मध्य प्रदेश के खंडवा जिला ग्राम सिंगूट में वर्षों से लंबित नल जल योजना के पूर्व सांसद अरुण यादव के अथक प्रयासों से प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त योजना विगत 15 वर्षों से भाजपा शासन में लंबित थी, परंतु भाजपा शासन ने इसकी जरा भी सुध नहीं ली। भाजपा की कथनी और करनी में यही अंतर है। कांग्रेस सरकार आने पर मात्र एक वर्ष में इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें ग्राम के गोपाल पटेल का भी योगदान रहा, जिन्होंने खंडवा से लेकर भोपाल तक लगातार एक वर्ष तक सतत प्रयास किया। नल जल योजना की स्वीकृति मिलने से गांव में खुशी का माहौल है। वहीं ग्राम के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सरपंच हरिराम पटेल, कृष्ण कुमार मालविया, संजय तिरोले, गोपाल पटेल, अरुण पटेल ब्लॉक अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री एवं अरुण यादव जी एवं छाया मोरे जी का आभार व्यक्त कर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। खंडवा से सादिक खान की रिपोर्ट। की बात है कि सिंगोट में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1,56,00,000 की नल जल योजना को स्वीकृति मिली है, और इसके आगे की जानकारी में आपको श्री हमारे वरिष्ठ कांग्रेस श्री हरिराम पटेल जी देंगे। आज सिंगोट के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गाँव की 15 साल पुरानी लंबित मांग नल जल योजना आवर्धन योजना का आज स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन से मिली है, जिसके लिए मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव जी, लोक स्वास्थ्य मंत्री पासे जी उनका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप सब लोग जानते ही हैं, इस प्रदेश में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारी मांग 15 साल से चली आ रही, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी, एक वर्ष के अंदर हमारे गांव की जो पुरानी मांग थी उसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है 1,56,00,000 की। इसमें पूरे गांव में हर घर में नल का पानी मिलेगा, और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का आभारी हूं। धन्यवाद।